This conference will now be recorded. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. आज हम आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान के मन द्रव्य के बारे में व्याख्यान या चिंतन करने वाले हैं. तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, ये जो नव द्रव्य चरकाचार्य जी बताते हैं और इनको कारण द्रव्यों में या कारणों में द्रव्यों का समावेश किया है और इसके वजह से चिकित्सा के लिए उपयुक्त यह आवश्यक ऐसे अंग हो जाता है समझने के लिए. और आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान का हमने बहुत बार चिंतन किया है कि आवश्यक इसलिए है कि आयुर्वेद अगर आपको शास्त्रार्थ रूप में समझना है तो उसके लिए बिल्कुल आपको पदार्थ विज्ञान जो है वो समुचित रूप से उसके ओर देखना ही चाहिए. चलते हैं आगे की ओर. सबसे पहले तो खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, इस नव द्रव्यों की गणना में मन जो है वह वैशेषिक दर्शनकार उसको मूर्त द्रव्यों में गणना करते हैं क्योंकि मन के परमाणु होते हैं, ऐसे वैशेषिक दर्शनकारों का सिद्धांत है और इसलिए मूर्त द्रव्यों में उन्होंने गणना की है. देखिए ये इसको नौ द्रव्य जो बताए हैं उनमें से पांच तो पंचमहाभूत है जिसकी विस्तार से हमने पहले व्याख्यान में ही चर्चा कर चुके हैं. हम आगे जाएंगे तो पंचमहाभूतों के बाद हमने आत्मा द्रव्य का चिंतन किया था दूसरे व्याख्यान में और उसके बाद आज मन द्रव्य की ओर हम जा रहे हैं. तो ये आयुर्वेद शास्त्र जो है वो सबसे अलग क्यों है, क्योंकि इसमें न केवल शारीरिक व्याधियों की या स्वास्थ्य का चिंतन किया जाता है या शारीरिक व्याधि एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त यह शास्त्र है, अपितु आत्मिक या जीवात्मा के भी जो संतुष्टि है या जिसे हम कहेंगे जीवात्मा की भी आत्मिक चिकित्सा जो है वो भी आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है. और आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला सत्व यानी मन, कि मन की चिकित्सा जो है मनोविकारों की चिकित्सा या मनोविकार उत्पन्न ना हो इसलिए मनोरोग प्रतिबाधक जो भी सद्वृत्त इत्यादि विषय वर्णन है वह भी आयुर्वेद में सर्वोत्तम पद्धति से बताया गया है और इसलिए मन की चिकित्सा को सत्वावजय चिकित्सा कहा है. तो चिकित्सा के मूलतः तीन प्रकार होते हैं, सत्वावजय, युक्ति व्यापाश्रय, दैव व्यापाश्रय. और उनमें से सत्वावजय चिकित्सा जो है वो मन के स्वास्थ्य हेतु, मन के विकार के नाशक हेतु बताई गई चिकित्सा है और इसलिए साइकिक डिसऑर्डर्स आर आल्सो वेल एड्रेस्ड बाय गिविंग द साइकोलॉजी इन आयुर्वेद बाय पदार्थ विज्ञान. आल्सो आयुर्वेद के भी अपने जो मूल उपजीव्य ग्रंथ है चरक संहिता इत्यादि उनमें भी मन का विस्तार से वर्णन है और मनोरोगों का उन्माद अपस्मार ऐसे व्याधियों का वर्णन करते हुए मनोरोगों का निदान एवं चिकित्सा विशेषता वर्णित है. तो चलते हैं, यह हम व्याख्या बहुत बार हमारे लेक्चर्स में सुन चुके हैं, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते. तो ये मन जो है वह सूक्ष्म शरीर, ये सुश्रुताचार्य जी की व्याख्या जो है उसके दूसरे लाइन में आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न रहना आवश्यक है. आज का हमारा व्याख्यान मन के लिए समर्पित है और इसलिए ये जो कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ इस व्याख्या में दिए हैं उसमें से दोष, अग्नि, धातु एवं मल ये फिजिकल या फिजियोलॉजिकल यानी रचनात्मक और क्रियात्मक स्वास्थ्य के लिए बताए हैं ये घटक, साइकोलॉजिकल स्वास्थ्य के लिए सूक्ष्म इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया और उभयात्मक मन, ऐसे 11 जो घटक है वह साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए कंपोनेंट्स बताए हैं
और स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो जीवात्मा के लिए। इसीलिए धी धैर्य आत्मविज्ञानम मनोदोषौषधम परम। तो मनोदोषों का चिकित्सा के लिए या मन के स्वास्थ्य के लिए अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में वाग्भटाचार्य जी स्पष्ट बता देते हैं कि धी यानी बुद्धि, धैर्य यानी पेशेंस और आत्मविज्ञान यानी आत्मा के विषय में, जीवात्मा के विषय में विशेष ज्ञान रखना या प्राप्त करना। तो आत्मविज्ञान जो है वह अध्यात्म शास्त्र से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आज का व्याख्यान जो है वो मन के लिए होने की वजह से हमने ये जो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ आयुर्वेद में जो है, फिजिकल फिजियोलॉजिकल एक ग्रुप है, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल, ऐसे तीन दृष्टिकोण आयुर्वेद ने रखे हुए हैं। और उसी दृष्टि से संपूर्ण विषय वस्तु जो है वो स्वास्थ्य रक्षण हेतु और चिकित्सा हेतु व्याधियों की बताई गई है। चलते हैं आगे की ओर। तो ये जो विभिन्न व्याख्याएं शास्त्र में आई है जीवित या लाइफ के लिए, आयु के लिए, उसकी ओर दृष्टिक्षेप करते हैं। शरीर इंद्रिय आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्य कश्चानुबंधश्च पर्याय ही आयु या सत्व, ये चार घटक बताए आत्मा। तो शरीर यानी फिजिकल बॉडी, इंद्रिया यानी ये जो है वो सूक्ष्म इंद्रिया अपेक्षित है, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, स्थूल इंद्रिया यानी इंद्रियाधिष्ठान यहाँ पे अपेक्षित नहीं है, और सत्व यह जो शब्द आया है वो मन के लिए आया है। तो शरीर इंद्रिया और सूक्ष्म इंद्रिया इनका जो संयोग है उनको, उसको धारी जीवित या आयु कहा जाता है। अभी आगे का जो श्लोक चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय में से ही है, वहां पे सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम् एतत् त्रिदंडवत् लोकाः तिष्ठति संयोगात् तत्रम् सर्वम् प्रतिष्ठितम्। तो यहाँ पे ट्राइपॉड के लिए उदाहरण दिया है। तो सत्व आत्मा ये जो तीन घटक है वह स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक बताया है। यानी स्वस्थ जीवित के लिए, जीवन के लिए अगर तीन पिलर या तीन स्तंभ कौन से है, तो वो है सत्व यानी मन, आत्मा यानी जीवात्मा और शरीर यानी फिजिकल बॉडी। ये तीन घटक जो है वो तीन पिलर्स, इन तीन पिलर्स के ऊपर ही स्वस्थ जीवन आधारित है। ठीक है, आगे का जो श्लोक है लोकाः तिष्ठति इत्यादि, इसका मतलब है जीवन के लिए जिस प्रकार स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मन और बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन घटक होने की वजह से ऐसे बताया है कि एवरीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग दैट ऑल इज डिपेंडिंग ऑन दिस तीन थ्री फैक्टर्स। ओके, सो लोकाः तिष्ठति मीन्स सम ऑल द लिविंग एंटिटीज आर डिपेंडेंट, वी कैन से, और दे आर सबस्ट्रेटम ऑफ लाइफ। ओके, सो मन के विविध जो है वो पर्याय भी बताए हैं शास्त्र में, जैसे मन और चेत, मन अतींद्रिय और उभयेंद्रिय भी है। अतींद्रिय यानी वो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञानेन्द्रिया है यानी चर्म चक्षु, उसको हम सुन नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, हम उसको उसका हम गंध नहीं ले सकते, उसको स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए वह अतेंद्रिय है। और वह उभयेंद्रिय या उभयात्मक इंद्रिय उसको कहा है। तो जब हम इंद्रिय चतुष्ट सन्निकर्ष से ज्ञान की प्राप्ति होती है या ज्ञान ग्रहण होता है, उस श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण घटक की दृष्टि से मन वहां पे है। और इसलिए मन ज्ञान ग्रहण के लिए यानी ज्ञानेंद्रिय भी है, और वो ज्ञान ग्रहण करने के बाद उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो कर्मेंद्रिय के द्वारा दी, उसमें भी कर्मेंद्रिय को
संचालन करने में मन ही कारण होता है, या मन वो दुआ या ब्रिज होता है। और इसलिए ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों मन होने की वजह से उसको उभयात्मक इंद्रिय कहा है। और इसलिए जब भी जब इंद्रियों का उल्लेख आता है उसमें उसको न उस ग्रुप में डालते हुए अलग से बताया है। सांख्य दर्शनकार भी देखिए या चरकाचार्य भी मन को अलग से ही गणना करते हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष बताया है या अव्यक्त ऐसे प्रकृति और पुरुष संयोग एकत्र मानकर चरकाचार्य व्यक्त ऐसे बताते हैं और उससे फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसमें भी मन अलग से बताया है चरकाचार्य जी ने भी। यानी वह ज्ञानेन्द्रिय भी नहीं है और कर्मेंद्रिय भी नहीं है, वह उभयात्मक है। ठीक है, मन मन जो शब्द तैयार हुआ है उसकी निरुक्ति अगर जाने तो ज्ञायते अनेन इति मनाहा, यानी टू थिंक टू एनालाइज, दैट इज द मीनिंग ऑफ मन। ओके, तो सत्व भी उसका एक सिनोनिम है। तो बीइंग एग्जिस्टेंस, ये शब्द कल्पद्रुम में उसका अच्छा उसका अर्थ बताया है। और गुणाह सत्वम रजस्तमाह, इस पद्धति से सत्व रज तम बताए गए हैं, विशेष तत्व से यहाँ रेफरेंस हमने लिया है अमरकोश से। आगे जाएंगे तो मन का लक्षण क्या है। लक्षण मतलब व्याख्या या डेफिनेशन। तो मन को कैसे जानना है, मन है और इन आठ द्रव्यों से अलग है। तो लक्षणं मनसो ज्ञानस्य भाव अभाव एव च सति ही आत्म इंद्रिय अर्थानां सन्निकर्षे न वर्तते, वैवृत्यात् मनसो ज्ञानं सानिध्यात् तच्च वर्तते। तो लक्षण क्या है मन का, ज्ञान होना और ज्ञान न होना, यही मन का लक्षण बताया है। ठीक है, तो ज्ञान यह मन की उपस्थिति का लक्षण है और ज्ञान न होना यह मन की अनुपस्थिति का लक्षण है। तो इसको अगर हम जाने एक उदाहरण से, हमारे सामने हम किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं, आप किसी बस स्टॉप पे खड़े, और आपका मित्र जो है परिचित वो सामने से गया, वो हाथ भी हिला रहा है, लेकिन आपने उसको, आपकी दृष्टि भी उसकी तरफ है, लेकिन आपको वह है इसका ज्ञान नहीं होता। दूसरे दिन वो आकर बोलता है आपको, जब भी मुलाकात होती है, मैं आपके सामने से था और आपने जानबूझकर मुझे पहचान नहीं दी। तो हम उसको बताते हैं, नहीं भाई, मैं और कुछ सोच रहा था, मेरा मन कुछ और जगह था, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाता, इसलिए आप उसको मिसअंडरस्टैंड। तो इसका मतलब मन वहां था या नहीं था, इसके ऊपर ज्ञान होना और न होना ये निर्भर होता है। ठीक है, और इसीलिए ज्ञान का भाव मन उपस्थित होने से ही है। देखिए, जीवात्मा भोक्ता कर्ता इत्यादि है, लेकिन वो निर्विकार है। ठीक है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता और इसीलिए उसको इंद्रियां विषय से संयुक्त होती है, और इंद्रियां डायरेक्टली आत्मा या जीवात्मा से संयुक्त नहीं हो सकती, उसके लिए ब्रिज की आवश्यकता होती है, कनेक्टर की आवश्यकता होती है, और वो है मन। और इसलिए वह मन अगर ब्रिज अगर ओपन है, चालू है, तो ज्ञान होगा। अगर नहीं है और किसी जगह है, चिंतन कर रहा है और किसी विषय वस्तु का, ठीक है, तो वहां पे ज्ञान नहीं होना। और यही मन की उपस्थिति का, मन का लक्षण बताया है। ठीक है, और इस पद्धति से मन का लक्षणं मनसो ज्ञानस्य भाव अभाव च। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जब होगा, इंद्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय, अर्थ यानी विषय, रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो वैवृत्यात् यानी मन अगर नहीं है तो न वर्तते यानी ज्ञान नहीं होगा, और अगर सति यानी उसके साथ ज्ञानेन्द्रियां के साथ अगर मन है तो अर्थों का ग्रहण विषयों का ग्रहण बहुत अच्छे से होगा। तो यही मन का लक्षण है। प्रकार ये जो सभी स्थितियां हैं यह हमें मन की उपस्थिति या मन का अलग से अन्य आठ द्रव्यों से भिन्नता दर्शाता है। और भी एक इसमें हम चीज जोड़ते हैं, वह इस पद्धति से है कि ज्ञान की उपलब्धि जो है वो मन आत्मा इंद्रिय विषय इनका संयोग होने से होती है।
यानी इसी को इंद्रिय चतुष्टय सन्निकर्ष या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी कहते हैं। आत्मा मनसः संयोज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन, इस पद्धति से ज्ञान ग्रहण होता है। अगर मन ये ब्रिज या चैन जो है या घटक है वहां से निकाल दिया जाए तो ज्ञान नहीं होगा। का पूर्वोक्त ज्ञान के घटकों से संयोग नहीं होता है तो ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। और इंद्रिया मन का संबंध अगर नहीं बनाती है या नहीं होता है तो बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं होता है। यानी मन का संबंध होने से ही ज्ञान निश्चित होता है। अतः मन आत्मा की तरह व्यापक न होकर अनुपरिमाण वाला है तथा एक काल में इसे एक ही इंद्रियार्थ का ज्ञान होता है। इससे मन एक है, अनुत्व और एकत्व, इसकी चर्चा हम विस्तार से उदाहरण के साथ आगे करने वाले हैं। मन का स्थान, मन कहाँ रहता है? आप बोलोगे शरीर छोड़ के भी बताया है तो मन का स्थान कैसे अलग से बताए? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मन का स्थान जो है वह शरीर में विशेषत्व से कहाँ होता है। तो ये विशेषत्व की बात है। तो शरीर में हर जगह मन हो सकता है लेकिन विशेषत्व से वह होता है हृदय में और शिर में यानी ब्रेन में। तो इससे कैसे जाने हम, इसको कैसे समझे, दो दो जगह कैसे हो सकता है, एक ही स्थान होना चाहिए, ऐसा भी कुछ लोग कह सकते हैं। तो देखिए इसको और थोड़ा सा अन्य पद्धति से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले योग शास्त्र में क्या संदर्भ है उसको हम इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। योग शास्त्र में शिरस्थ हृदय और उरस्थ हृदय ऐसे सिद्धांत है। दो हृदय बताया है, उरस्थ हृदय यानी हार्ट और शिरस्थ हृदय यानी ब्रेन। तो जब मन जो है वो शांत होता है, कोई क्रिया नहीं कर रहा है, जैसे कि गाढ़ निद्रा या डीप स्लीप, तो इस अवस्था में मन जो है वो हृदय में रहता है, या हम ऐसे कहेंगे वो बिल्कुल ही रिलैक्स है। ऐसी स्थिति में वह जो है वो हार्ट में रहेगा। और योग शास्त्र में बताया है डीप स्लीप में ये मन जो है वह हृदय में भी एक विशिष्ट स्थान में होता है, उसको कहते हैं पूरी तति नाड़ी। तो योग शास्त्र का मैं संदर्भ बता रहा हूँ, आयुर्वेद शास्त्र का नहीं। तो एक हम क्रॉस रेफरेंस की तरफ इसको देखेंगे। तो और काम करते वक्त मुख्यतः वो ब्रेन में रहेगा या शिरस्थ हृदय में रहेगा। तो देखिए चरक सूत्र स्थान में हृदय यानी हार्ट बताया है और चरक सूत्र स्थान 17वें अध्याय में शिर बताया है। तो ये सब रेफरेंस आपके सामने रखे हैं। तो मैं तो इसको कहता हूं जैसे एक व्यक्ति का एक रेसिडेंशियल एड्रेस होता है और एक वर्किंग एड्रेस होता है, ऑफिस एड्रेस होता है, वैसे ही मन का रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वह हार्ट है और उसका वर्किंग एड्रेस जो है वह है ब्रेन। ठीक है, तो मन के अर्थ जो है उसको अलग से हम देखने वाले हैं, इसलिए इस स्लाइड में से नहीं देखेंगे। कर्म क्या है? तो इंद्रियाभिग्रह और स्वस्य निग्रह। तो इंद्रियाभिग्रह यानी जो ज्ञानेन्द्रिया है, यानी घ्राणेन्द्रिय है, चक्षुरेन्द्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय है, श्रवणेन्द्रिय है, तो इन इंद्रियों का नियंत्रण करना यानी उनका सम्यक योग ही होना चाहिए अर्थ के साथ। हीन मिथ्या अतियोग नहीं होना चाहिए, ये मन का कार्य है। तो इंद्रियों पे नियंत्रण करना इन सिंपल लैंग्वेज। और दूसरा कर्म है स्वनिग्रह या स्वस्य निग्रह। तो ये स्वनिग्रह जो है वो विशेषतः खुद के ऊपर नियंत्रण करना, और ये खुद के ऊपर नियंत्रण जो करना है वह योग से करना, योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधाः। तो चित्त यानी मन और मन की वृत्ति यानी उसका जो बाहर बाहर की ओर जाना है, इंद्रियों की तरफ, विषयों की तरफ आकर्षित होना है, उसको कंट्रोल करना है। तो मन जो है वो खुद का भी कंट्रोल करता है और इंद्रियों का भी नियंत्रण करता है। यह है इंद्रियाभिग्रह और स्वस्य निग्रह। आगे मन के विषय विभिन्न बताए हैं, जैसे चिंतम विचार्यम उह्यम च ध्येयम संकल्प्यम एव च। तो ये मन के विषय स्वरूप बताए हैं। प्रथम वर्ष की दृष्टि से देखे तो ये हमें भिन्न भिन्न ही इसका ध्यान देना चाहिए, और इनकी तरफ विशेषतः हम अगर जाएंगे तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
एक-एक का अर्थ समझते हैं और फिर आगे जाएंगे। तो चिंत्य क्या है, यानी सब्जेक्ट टू थिंक या ऑब्जेक्ट टू थिंक, चिंता करने योग्य या चिंतन करने योग्य जो वस्तु है, विषय है, उसको चिंत्य कहेंगे। जैसे मुझे फलाना काम करना है, तो ये हो गया चिंतन का विषय, तो चिंत्य है। विचार्य यानी विचार करने योग्य, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल्स होते हैं विचार्य। ऊह्य, ऊह्य क्या है, तो ऊह्य ऊहन करना यानी तर्क करना, अगर ये कर्म किया, ये काम किया तो क्या होगा, और ये काम नहीं किया तो क्या होगा, यह जो मराठी में जिसे ऊहा पोह करते हैं, एनालिसिस, वह हो गया ऊह्य। आगे आता है ध्येय, वो काम करना या न करना, इसके जो फायदे या नुकसान देखे उसके अनुरूप एक कुछ निश्चित होता है, तो काम करना है तो ये हो गया ध्येय। और संकल्प क्या है, जो आपने निश्चित किया है उसको अवश्य करना है, और उसका संकल्प आप करते हो, निश्चिति आप करते हो, ठीक है। इस दृष्टि से मेरे अगर विचार में देखे तो ये मन के विभिन्न विषय न होते हुए एक ही किसी निर्णय पर हम जाते हैं, तो उसकी एक प्रोसेस या स्टेप्स है, लेकिन ये स्टेप्स में ही हम हर कोई कार्य जो है करते हैं, और ये मन के विषय है। चिंत्यम विचार्यम ऊह्यम च ध्येयम संकल्प्यम एव च, और दूसरी लाइन चरकचार्य स्थान प्रथम अध्याय में बताई है, यत् किंचित मनसोज्ञेयम् तत्सर्वम हि अर्थसौज्ञकम्। यानी ये जो आपके पांच सामने तो रख दिए, लेकिन इसके सिवा यत् किंचित मनसोज्ञेयम्, इसके सिवा और मन के द्वारा जो भी जानने योग्य है वो सभी मन के विषय है, ठीक है। तो इसको मन के विषय के तौर पे हमने देखना चाहिए। और अभी मन एज अ इंद्रिय हम देख रहे हैं, ठीक है, मन एज अ इंद्रिय। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने चिंतन किया, तो ये क्या है, तो अतीन्द्रियम पुनर्मनाः सत्व संज्ञकम् च इति आहु एके। तो मन जो है वो अतीन्द्रिय है, और उसको सत्व भी कहा जाता है, और कुछ लोग उसको चेता यानी चेतना, सॉरी चेत यानी चित्त भी कहते हैं। तो तद योगेन पंचेन्द्रियाणाम अर्थवृत्ति, अष्टांग संग्रह में बताते हैं, और सुश्रुतचार्य स्थान में बताते हैं उभयात्मक मनाहा। तो चरक सूत्र स्थान अष्टांग संग्रह, इसमें अतीन्द्रिय उसका स्वरूप बताया है, और सुश्रुताचार्य स्पष्ट रूपतः उसको उभयात्मक इंद्रिय बताते हैं, ठीक है। तो इसका चिंतन हम पहले कर चुके हैं। अध्यात्म द्रव्य, तो मन जो है वो धी धैर्य आत्मविज्ञान मनोदोष औषधम परम, तो एक अध्यात्म द्रव्यों में से है। तो धी धैर्य आत्मविज्ञान, तो आत्मविज्ञान जो है स्व के बारे में जानकारी जो है या ज्ञान प्राप्त करना है, वह अध्यात्म विद्या से अध्यात्म द्वारा होगा, और इसीलिए जीवात्मा के साथ मन भी जो है वह आध्यात्मिक द्रव्य है। तो मनो मनो अर्थो बुद्धि ही आत्मा चेति अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्पष्टतया चरकाचार्य बताते हैं कि ये जो मन है वह आत्मा के साथ ही बताए हैं, विषया के साथ। देखिए मन, मन का अर्थ, ठीक है, अर्थ बुद्धि और आत्मा, तो मन उसके विषय बुद्धि और आत्मा, यह अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह बताया है। और यह किसके लिए, यह अध्यात्म गुण संग्रह जो है, द्रव्य जो है, वो किसके लिए उपयुक्त है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंडिविजुअल फॉर प्रोक्लिविटी टूवर्ड्स एंड एब्सिशंस फ्रॉम ऑस्पियस एंड इन ऑस्पियस एक्ट्स रिस्पेक्टिवली।
तो शुभ यानी अच्छे कार्य और अशुभ यानी नुकसान या निषिद्ध कार्य हम कहेंगे। तो शुभ कर्मों के प्रति प्रवृत्ति यानी वह कार्य करना और अशुभ कार्यों के प्रति निवृत्ति यानी वह कार्य न करना, यह सबसे ऊपर डिपेंडेंट है इन अध्यात्म द्रव्यों के ऊपर। और चरकाचार्य जी की भाषा में यह क्या है, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है। तो इसमें से मन भी एक घटक है, इसलिए हमने यहाँ पे दृष्टिक्षेप थोड़ा सा किया। आगे जाते हैं, डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए भी मन जो है एक इंस्ट्रूमेंट या उपकरण है, तो मन से ही वो साध्य होते हैं। देखिए आज का जो हम व्याख्यान ले रहे हैं, तो आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर बी के द्विवेदी साहब जो BHU में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आयुर्वेद संहिता सिद्धांत विभाग के, उनसे प्रभावित है, उनके पुस्तकों में से है, उनके व्याख्यान सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और पदार्थ विज्ञान में भी रुचि उन्हीं के वजह से ज्यादा बढ़ी है। तो मेरे जो कुछ भी आचार्य है जिन्हें पता नहीं कि ये उनका शिष्य है, तो उनमें से वो एक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस मन कैसे है, अचेतन क्रियावच मनश्चेतयिता अपराः युक्तस्य मनसा तस्य निर्दिश्यते विभो क्रियाः, चेतनावान यतश्चात्मा तथा कर्ता निरुच्यते अचेतनत्वाच्च मनः क्रियावत अपि न उच्यते। तो देखिए मन जो है और आत्मा जो है उनका तो रोल डिफाइन इस श्लोक में किया है। तो आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, वह क्या है, चेतयिता है। ओके, और चेतनावान जो है आत्मा वह कर्ता है। देखिए मन जो है वह अचेतन है लेकिन क्रियावान है। ओके, मन क्या है, अचेतन है लेकिन क्रियावान है, और आत्मा जो है वो चेतनावान है और इसी वजह से वह कर्ता कहलाता है। और अचेतन होने की वजह से मन चेतयिता होने के बावजूद भी उसको जो है वो क्या कहा जाता है, उसको क्रियावत अपि न उच्यते, उसको कर्ता या डूअर एक्टर नहीं कहा जाता क्योंकि मन अचेतनावान है। ठीक है, तो उसमें चैतन्य कभी प्रतिबिंबित होता है, जब वो जीवात्मा से संयुक्त होता है तभी। तो इसीलिए मन जो है वो एज अ इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाला कोई और है। जैसे माउथ ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट है, तो माउथ ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट जो है वह है मन, और उसको प्ले करने वाला जो भी व्यक्ति रहेगा वह है जीवात्मा या भूतात्मा, क्योंकि वो चेतनावान है। ठीक है, और जैसे आगे जाएंगे मन के गुण, तो इनको समझेंगे। मन के गुण दो बताए हैं शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में, अनुत्वम अथ च एकत्वम द्वौ गुणौ मनसः स्वरतम। बहुत बार सत्व रज तम या रज और तम ये गुण बताए जाते हैं, और प्रथम वर्ष में अवश्य पदार्थ विज्ञान लिखते वक्त, पेपर लिखते वक्त यह मिस्टेक हमेशा होती है बच्चों की, तो इसको समझे आप ठीक से। तो मन के गुण है, मन एक द्रव्य है और द्रव्य के मन द्रव्य, यही टाइटल है हमारे आज के व्याख्यान का। और फिर द्रव्य कैसे है, तो उसमें गुण कर्म होने चाहिए। ठीक है, तो गुण कर्म का आश्रय मन है, तो वह गुण कौन से है, उसके कर्म हमने देखे इंद्रियाभिग्रह और स्वस्य निग्रह, अभी उसके गुण देखेंगे। तो अनुत्व यह उसका परिमाण बता दिया कि वह बिल्कुल ही आकार में अनुस्वरूप है, और अनु यह शब्द का जो प्रयोग चरकाचार्य ने बहुत बार उन्होंने किया है, केवल वो वैशेषिक दर्शनकारों ने किया है ऐसा नहीं है, बिल्कुल सूक्ष्म, ठीक है, उसका स्वरूप है, आंखों से वह दिखाई नहीं देता इसीलिए। और उसकी संख्या गुण जो है वो 41 गुण है आयुर्वेद में, परापरत्व युक्तिश्च इत्यादि, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो उनमें से उसका परिमाण यानी आकार मान वस्तु मान बता दिया, वह है अणु, और उसकी संख्या है एकत्व यानी एक। और फिर संख्यावाचक जैसे वायु पित्तम कफश्च इति, त्रयो दोषाः
समासता त्रयो शब्द का वहां पे उच्चारण है, यानी संख्या निश्चिति के लिए बताते हैं, इसमें आप कम नहीं कर सकते, इसमें पढ़ा नहीं सकते। वैसे ही यहाँ पे द्वौ ऐसा शब्द चरकाचार्य जी ने दिया है, यानी यह दो गुण है, दो ही गुण है, ये कम ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो एटॉमिसिटी एंड वननेस, तो इसको समझेंगे। तो अणुत्व है, तो हम इसको अणु ही है कैसे समझे, तो उदाहरण लेते हैं भाई। उदाहरण क्या लेते हैं, देखिए समझते हैं, अणु नहीं उसका परिमाण जो है महत है, यानी वो बहुत बड़ा है मन आकार, तो इसीलिए तो वो किचन में जा सकता है, बिल्डिंग में से बाहर जा सकता है, कॉलेज में से बाहर जा सकता है, शहर में से बाहर जा सकता है, भारत में से बाहर जा सकता है। तो ये केवल उसकी गति है, ये उसका आकार मान नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है, वो महत है या बड़ा है आकार से, तो मेरे मित्र के मन में क्या चल रहा है, शरीर में क्या चल रहा है, मुझे वो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अमेरिका में क्या चल रहा है वो मुझे ज्ञान होना चाहिए, उन विषयों का भी मेरे मन से ग्रहण होना चाहिए, लेकिन वह नहीं होता। इसका मतलब क्या है, मन जो है वो मेरे देह तक ही सीमित है और उसका आकार जो है बहुत कम। तो यह हो गया अनुपरिमाण के बारे में, यानी वह बिल्कुल सूक्ष्म है उसका स्वरूप। एकत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक ही है, एक शरीर में एक ही मन है, अनेक नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इमेजिन करते हैं थियरी ना, जैसे इसमें ज्योमेट्री में दिया जाता है कि उसके विरुद्ध का इमेजिनेशन किया जाता है। तो मन अनेक है, तो मन अनेक है ऐसे समझते हैं, तो अनेक है इसीलिए मैं बोल भी रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं, मैं सुन भी रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, अनेक क्रियाएं मैं कर रहा हूं, ऐसा हमें आभास होता है। एक्चुअली मन एक ही है, एक ही वक्त वो आंखों के साथ रहता है, एक ही वक्त वो हाथ के साथ रहेगा, एक ही वक्त वो आप जो वाणी यानी जो आप भाषण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी तरफ रहेगा। लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होता है, आप उसको आभासित होता है कि एक ही बार अपन एक क्रिया कर रहे हो। तो मन की जो गति है वह उसके लिए कारण है, प्रचंड वेग मन का रहता है और इसके वजह से एक ही वक्त ये क्रियाएं होती है, ऐसा हमें भ्रमित करता है वह, या हमें आभास होता है। किंतु मन जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अलग अलग जगह वो होता है, तो यह सिद्ध करता है कि मन एक ही है, वह अनेक नहीं है। ठीक है, आगे जाते हैं। मन एक व्याधि का स्थान, तो जैसे शारीरिक व्याधियां वर्णित है, वैसे मानसिक व्याधियां या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो वो भी मन को होते हैं। और ये श्लोक में यहाँ सुश्रुत शारीर स्थान है, सॉरी सुश्रुत सूत्र स्थान है, अष्टांग हृदय और चरक सूत्र स्थान में से रेफरेंस ली है। शरीरम सत्वम सत्व संज्ञम च व्याधिनाम आश्रयो मताः तथा सुखानाम योगस्थु सुखानाम कारणम समाः। तो शरीर और सत्व यानी मन, ये जो है ये दोनों ही च, ये जो शब्द आया है वो एंड के लिए है, व्याधिनाम आश्रयो मता, ये व्याधि का आश्रय है, व्याधि का स्थान है। और ये कब व्याधि का स्थान है, जब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ऊपर जो घटक बताए हैं शरीर और सत्व, ये घटक जो है वह सुख का भी यानी आरोग्य का भी कारण है और सुख का भी कारण है और रोग का भी कारण है। जाते हैं आगे की तरफ। मन जो है वो लिबरेशन या साल्वेशन या जिसे मोक्ष मुक्ति कहते हैं, और अटैचमेंट यानी शरीर के साथ संयुक्त होना या विषय के साथ संयुक्त होना, उसे अटैचमेंट कहा। तो इसके लिए मन ही कारण है बंध और मोक्ष का। तो बंध यानी अटैचमेंट और मोक्ष, तो ट्रांसलेशन साल्वेशन इसका करेंगे। तो रजस तमोभ्याम ही मनो अब अनुबद्धम ज्ञानम विना तत्र ही सर्वदोषा गति प्रवृत्ति अस्तु निमित्त मुक्तम मनः सदोषम बलवच्च कर्म। सो इसको समझेंगे हम किस पद्धति से, तो
मन जो है वो रज और तम के साथ जो है वो आसक्त होके फिर वो जो है वो विकृति पैदा कर देता है। और ये विकृति क्यों पैदा होती है? विशेषतः तमस से पैदा होती है और अज्ञान से पैदा होती है। और फिर वह व्यक्ति जो है वह विशेषत्व से गति प्रवृत्तिस्तु निमित्त मुक्तम मनाह सदोषम बलवच्च कर्म, दैट इज द कॉज ऑफ मूवमेंट एंड इंक्लाइनेशन ऑफ सोल, मीन्स जीवात्मा की जो गति है और उसका जो ऊपर की ओर यानी निवृत्ति की ओर या मोक्ष की ओर उसका जो प्रवास है, तो वह क्या होता है? फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर इज डिफेक्टिव माइंड एंड पोटेंट पास्ट डीड्स। तो कर्मफल विपाक सिद्धांत ही है। तो पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए गए हैं उसकी पोटली लेके मन के साथ, अहंकार के साथ, बुद्धि के साथ वह जीवात्मा प्रवेशित होता है अन्य शरीर में या दूसरे शरीर में। आगे चरक शारीरस्थान प्रथम अध्याय का रेफरेंस है, शुद्ध सत्व समाधाना तत् सर्वम उपजायते मोक्षो रजस्तमो अभावात बलवत् कर्म संशया वियोगः सर्वसंयोगे अपुनर्भव उच्यते। ये मोक्ष की स्थिति यहाँ पे बताई गई है कि ऑल दिस इज अचीव्ड थ्रू द प्यूरिटी ऑफ द माइंड, दैट इज ओनली सत्व, देयर इज नो रज एंड तम। तो दिस इज द स्टेज ऑफ सल्वेशन, यही मोक्ष का जो है वह स्थिति है, इन विच देयर इज डिटैचमेंट ऑफ शरीर मन इंद्रिया एंड आत्मा। सो यह जो स्थिति है रजतम से निर्मुक्त होना और सत्व का उद्रेक, और यही शरीर मन और इंद्रिय इनसे जो है वह आत्मा जो है वो परे हो जाता है, भिन्न हो जाता है, मुक्त की स्थिति में आ जाता है। मोक्ष और सल्वेशन इज नथिंग बट एन एब्सोल्यूट डिटैचमेंट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट्स बाय वर्च्यू और ऑब्सेंस ऑफ रजतमा इन द माइंड, एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंट और पास्ट एक्शंस एंड डीड्स। सो अपने जो जीवन के पूर्व जन्म के कर्म है बलवत् कर्म संक्षया, यानी पूर्व जन्म में कृत जो कुछ कर्म है उनका क्षय हो जाता है, उनके फल सब भोग लेते हैं हम, और फिर वह स्थिति आती है साल्वेशन की या मोक्ष की या मुक्ति की। दिस इज अ स्टेट आफ्टर विच देयर इज नो फिजिकल और मेंटल कॉन्टैक्ट्स, फर्दर देयर इज नो प्रोसेस ऑफ रिबर्थ। कर्मफल जो है उसका विपाक हो जाता है, संक्षय हो जाता है, और यही जो है अपुनर्भव की स्थिति है, यानी देयर इज नो रीबर्थ। तो वह मुक्त या मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। आगे चरक शारीरस्थान के दूसरे अध्याय का रेफरेंस दिया है, रूपस्य सत्वस्य च संतति यः न उक्ताः तत् दिन ही सो अस्ति कश्चित् तयोः वृत्ति क्रियते पराभ्याम धृति स्मृतिभ्याम परया धिया च। सो द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द कंसिस्टेंट एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिक एंड साइक, दैट इज माइंड, इज नॉट मेंशनड एनीवेयर, एंड फॉर श्योर देयर इज नो सच बिगिनिंग। देयर एब्सेंस कैन बी ब्रॉट आउट ओनली बाय एक्सलेंट रिस्टेंट मेमोरी एंड नॉलेज। तो देखिए पूर्व जन्म कृत जो भी क्रियाएं हैं वह उस मोक्ष को, सॉरी उस जीवात्मा को याद नहीं रहती, उसके स्वरूप में वर्णन। एनीवे तो विषयों के साथ संयुक्त तो होना, विषयों के साथ उसके साथ डिटैच होना, असंबद्ध होना या उससे परे रहना, यह मन के ऊपर ही निर्भर है। इसीलिए मन जो है वह बंध और मोक्ष का कारण है, यह हमने अभी देखा। आगे जाते हैं, मन जो है वह नियंत्रक भी है संपूर्ण शरीर का। विमान स्थान 8वें अध्याय में चरकाचार्य बताते हैं, सत्वम उच्यते मनाः तत्शरीरस्य तंत्रकम् आत्मसंयोगात्। तो यहाँ पे तंत्रकम् यह उपमा दी है। तो सत्व इज नोन एज माइंड, तो सत्व यहाँ पे उदाहरण शब्द जो आया है वह एज अ सिनोनिम आया है मन के लिए, विच कंट्रोल्स द बॉडी फंक्शन बाय कंजक्शन विद द सेल्फ। तो जीवात्मा के साथ संयुक्त होके मन जो है वो शरीर को नियंत्रित करता है, इसलिए मन को जो है वो रेगुलेटर ऑफ बॉडी, तो वो तंत्रकम आत्मसंयोगा, तो उसको तंत्रक कहा है यानी रेगुलेटर कहा है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यहाँ पे देखेंगे हम, विशेषतः
यह जो प्रकरण है वह दूसरे हमारे व्याख्यान में हम देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रजस तमश्च मानसो दोषो तयो विकारः, ये जो मनोविकार है वो थोड़े से विस्तार से हमने लेने हैं और उसी से संबंधित आगे दूसरा व्याख्यान हम लेंगे। आज यही समाप्त करते हैं। आपके अगर प्रश्न कुछ है तो उनको लेंगे, कुछ प्रश्न हमें चैट बॉक्स में